उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शौच के लिए गए बच्चे की आकस्मिक मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार वालों में मातम छा गया है। दरअसल बच्चा शौच के लिए गया था और काफ़ी देर से बाहर नहीं आया, जिसके बाद परिजनों ने दरवाज़ा तोड़ा, जहां वो बेहोशी की हालत में पाया गया। वहीं जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है, जिसका कारण हृदय गति रुकना बताया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अफजलगढ़ पर एक 15 वर्षीय लड़का मेजोसराय का रहने वाला मोहम्मद तलहा आया था, जो मृत अवस्था में था। घर वालों से जानकारी लेने पर पता चला कि वो सुबह शौच करने के लिए लैट्रिन में गया था और लगभग 1 घंटे तक जब वो बाहर नहीं आया तो उन्होंने दरवाजे तोड़ के लड़के को बाहर निकाला। तो मेरे हिसाब से या मेरी राय में शायद उसे कोई दिल की दिक्कत हुई हो या कोई हार्ट प्रॉब्लम हुई हो, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई।